अरे आटारी तारी कागा आज या तारी बोला का, का मोर राजा राजई है अरे लिया गर्दा उड़ावे दो दो। अरे जबरलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे बालम के आवे हो बालम के आवे बालम 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 के आवे हो के आवे। तब सुधिया के हो सुधिया जी क्या कहती हैं 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 इस समय बहुत हैं। हाँ। बहुत खुश खुश तमन्ना रहा, एक रहा हम एक स्टार बनी तमन्ना रहा स्टार बनी प्लस हम बिया नाह तो हम ना रहे। बाद हम रहे चालू के तो हमारे मेहरारू के हमारे पर बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ जौन बेचारी जौन गहना बिया रहे बेच हमें मोहर वही पेटाटी खपड़ के घर बा मोहर वही पेटाटी धीरे धीरे नाई हर वही में बाटी बेच चाहे गेहूँ धान बेच तू बजरवा पिया घर वाला wow. पिया घर वाला अब की जा नमस्कार आप देख रहे हैं पीजी न्यूज मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों तो अभी हम यूपी के अकबरपुर में हैं और आपको बता दें कि देसी स्टार कहे जाने वाले हमारे साथ कुमार धर्मेंद्र जी हैं और कुमार धर्मेंद्र जी की आवाज़ में वो जादू है मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सुनने के बाद कहीं कहीं बेताब हो जाएंगे मित्रों अगर बात करें तो कुमार धर्मेंद्र की जब शुरुआत होती है तो वो कभी सपने में नहीं सोचे थे कि लोग इतना प्यार और आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे लेकिन अगर कुमार धर्मेंद्र जी के बारे में बात करें तो कुमार धर्मेंद्र जी बेहद गरीब परिवार से हैं अगर इनकी स्थिति आप जानेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएगा लेकिन इनकी गायकी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस लड़के को बड़े पर्दे पर पहुँचना चाहिए और इस लड़के को ज्यादा से ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद देना चाहिए आप अपने आप को इनकी वीडियो को शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे आइए सीधा हम लाइव हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि धर्मेंद्र कुमार जी की शुरुआत कैसे हुई और आज ये महिलाओं का गाना गाकर महिलाओं का बिरह गाकर सोशल मीडिया पर पूरी तरह से तहलका मचा चुके हैं हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज में भैया आपका स्वागत हम बहुत ठीक है ये समय बहुत ठीक हाँ। कैसा लग रहा है अभी वायरल होने हाँ। के बाद एकदम बहुत अच्छा एकदम जान ला कि हाँ। खुशी हम समझे ना रहे हमें हमें ऐसा खुशी बनी हुई हाँ, हाँ लेकिन जनता इतना आशीर्वाद दे कि की पप्का बताई मिलियंस मिलियंस हाँ हाँ और कहीं न कहीं देखिए आज अगर कोई भी बड़ा स्टार बनता है या कोई भी अपना एक लेवल मेंटेन करता है तो व्यूज का पूरा खेला है धर्मेंद्र जी जितना अच्छा खासा आप व्यूज देंगे उतना ज्यादा आपकी पॉपुलरिटी बने हाँ भैया मेन चीज व्यूज हवे ब्यूज हनता देख हाँ। तो व्यूज बढ़े तो जन व्यूज मतलब जनता जनता बिल्कुल सही बात है उम्मीद थी कभी की इतने कम समय में या फिर जो भी संघर्ष रहा इतने दिनों का जो संघर्ष रहा मिनटों में वो खत्म हो गया और कहीं न कहीं जगत जननी जगदम्बा जी का एहसास हुआ कि आज आपके गाने जो हैं करोड़ों में लोग देख लो हाँ भैया उनके आशीर्वाद तो वैसे तो जन्मे उनके आशीर्वाद तो अगर उनके आशीर्वाद न हो तो हम गाए न पाए उनके आशीर्वाद जन्म जन्म से वह और हमारे सुने वाले भैयान के तो इतना आशीर्वाद हुआ कि जिंदगी में अगर हम चुकावे चाहे तो चुका न पाए चुका नहीं पाएंगे हाँ चलिए धर्मेंद्र जी हम लोग बातचीत करेंगे लेकिन अब सबसे पहले हम वो आपके गाने सुनना चाहेंगे जो गाने सबसे मोस्ट पॉपुलर और इस समय खूब लोग बजा रहे हैं और उसको एक बार नहीं कम से कम दस दस बार प्ले करके सुन रहे हैं वो कौन सा गाना है जो धर्मेंद्र ने गुनगुनाया और रातों रात जो है वो सोशल मीडिया पर तहलका मचा हम्म भैया गाना ही रहा अरे सांगवा के सखी सहेली लड़को रैली अम्मा हो लड़को रैली अम्मा हो कवन गलतिया हमसे हो गई मोर हमारी अम्मा हो ससुर मोरा बोली बोले ससुईया गारिया वे नदिया घर से बाहरा हमारी अम्मा हो वाह धर्मेंद्र जी वाह देखिए हम कहे थे कि गाने जो इनके होते हैं एकदम दिल को अटैचमेंट करते हैं सीधा हट को अटैचमेंट करते हैं और गाने का जो अंदाज है पूरा ये बिराह में घुस जाते हैं ये इतना हार्ड टचिंग कैसे दे पाते हैं धर्मेंद्र भैया ये हार्ड टचिंग जो है ना अक्सर दहेज के देख के सब मारत गरियावतन दहेज बदे छोड़ा थे वह देख के थोड़ा सा हम दयालु किस्म का आदमी है तो हम कहूँ के अगर देख ली दुख तो हम रोए लगी थे तो वही से गाए तो वह सोच के तो अच्छा फीलिंग निकला तो हम समझिए कि हम दहेजे गाये ठीक कह से धर्मेंद्र जी आपको क्या लगता है आजकल अगर भोजपुरी स्टारों की बात किया जाए और तमाम भोजपुरी कलाकारों की बात किया जाए तो वो ऐसे गाने गाते हैं रातों रात वायरल होने के लिए या स्टार बनने के लिए आ, कि जो समाज में माताओं बहनों के सामने सुन नहीं सकते लेकिन आपके जो गाने होते हैं वो बेहद साफ़ सुथरे होते हैं और महिलाओं के पसंद गाने होते हैं क्या आपके दिल में कभी ऐसी बात नहीं आई कि हम भी ऐसे गाने गाएं नहीं हमें अपने दर्शक ऊपर इतना भरोसा है कि वे अच्छा चीज़ ढूंढत है अच्छा चीज़ के उदहेश ना है तो हम अच्छा चीज दे लागे तो हमें ही भरोसा रहा हमारे मेहनत पे कि अगर हम कुछ ऐसे गाए तो जनता हमें आशीर्वाद दे अब आशीर्वाद आज मिले तो हमें वो गाना है आपका खूब वायरल हुआ मोहरवा के टाटी वगैरह कैसे है वो ये गाना भैया अरे खपड़ा के मुहर पे पेटाटी खपड़ के घर बा मोहर वही पेटाटी धीरे धीरे आई आई में इट आई हाय आराम से न जान के हु दूसरा जान पाई दुअरा पे भूख लाग कुकुरा अरे आई हा, हा भोर हारी हम हिलई हर जऊ पाटी धीरे धीरे आई हा नाई हर वई में बाटी वाह धर्मेंद्र भाई वाह गजब वॉइस वा जो इनकी है मित्रों वो कहीं कहीं बहुत गजब धर्मेंद्र जी गाते हैं और ऐसा लगता है कि इनको सुनने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर लोग रुक जाते हैं और सुनते ही रह जाते हैं धर्मेंद्र जी आ, क्या है फैमिली बैकग्राउंड कितने भाई हैं कितने बहन हैं और कैसे शुरुआत हुई और आज आप पूरी तरह से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं भैया हम हमारे पास तीन बहन हम दो भाई हैं जिन्होंने भाई हम सबसे बड़ा ही बहन हमारे सबसे बड़ी रही और अम्मा बाबू हैं बस और हमारा बया हमारे मेहरारू हाँ, हाँ, आ गए बहुत खुश है तमन्ना रहा हम एक स्टार बनी हाँ, तमन्ना रहा स्टार बनी प्लस हम बियाह ना भरा हाँ, तो हम ना गावत रहे बाद हम गावे चालू के तो हमारे मेहरारू के हमारे बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ जो बेचारी जो गहना हम बियाह में लाइ जाए गहना के हमें गवाए हैं गहना बेच गवाए हैं आज वायरल भाई तो उनका बहुत अच्छा लगा गहना बेचने के बाद इनकी पत्नी जो है गहना बेचने के बाद इनको एल्बम की दुनिया में लाती है और एल्बम की दुनिया में आने के बाद धर्मेंद्र जी की रातों रात किस्मत जो है वो पलट जाती है धर्मेंद्र जी जो आपने एल्बम किया था जो आपकी वाइफ ने गाना गहना बेचकर एल्बम कराया था वो गाना जरा तो भैया उहे गाना हमें सुनाए हम नहीं रहे एक गाना औरवा सुन ले बिल्कुल अरे जबरेलिया लिया उड़ावे अरे जबरेलिया लिया उड़ावे तब ए सुधिया बालम के आवे बालम के आवे हो बालम के आवे बालम के आवे हो बालम के आवे जब रेलिया गर्दा उड़ावे तब ए सुधिया बालम के आवे वाह ये सब गाने जो हैं आपके बहुत मोस्ट पॉपुलर हुए हैं हाँ। अच्छा धर्मेंद्र जी एक बात और करें कि आप यही गाने आपके स्पेशल गाने हैं कि कुछ और आप गाते नहीं हम देवी गीत गाए थे हाँ। कहरवा गाए थे हाँ। कहरवा एगो गाना कहरवा जरा गुनगुनाइए <स्थिति> कहरवा भैया यस रहा है अरे बेचा चाहे गेहूं धान बेचा तू बजरवा पिया घरवा लई दना पिया घरवा लई दना

वाली वाली दाना दाना रोई बह जाए कजरवा क्या बात है अच्छा स्पेशल अगर तरीके से बात करें तो महिलाओं की पसंद जो है आप बेहद अगर महिलाओं की पसंद कहा जाए तो ज्यादा आप गाते हैं हाँ। आ, और कौन कौन से गाने हैं जो आपके हाई पॉपुलर में गए और आपके दिल के जो हैं वो बेहद करीब हैं और आप उसे हर समय गुनगुनाना चाहते हैं हमारे समय इस्ट एक गाना ट्रेंड मारी हुआ है अरे उड़त चीरइ कहे मारा बेई मनाओ उड़त चीरिया कहे मारा बेई मनाऊ महल पे मारा दू महलों पे मारा महल पे मारा दू महलो पे मारा दिलवाई के बीच कहे मारा बेई मनाऊ ये इसका भैया ट्रेंड है समय पे अच्छा धर्मेंद्र जी गारी गीत भी गाते हैं या फिर गारी में इतना तो तो गाए ही शुरुआत हो, बा। हो बा। हाँ, कुमार धर्मेंद्र इंटरटेनमेंट बहुत जल्दी सुनने की मिली आ, हा, हा, हमारी पर्सनल चैनल है जी जी जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आप लोग कुमार धर्मेंद्र को जरूर सर्च करिए और इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए एक आध गाने और होना चाहिए अब हम लोग एंडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे एक आध दो गाने और होना चाहिए जो आपके दिल के बेहद करीब हो और वो खूब मोस्ट पॉपुलर दहेज में की दहेज भी गा सकते हैं महिलाओं की पसंद भी गा सकते हैं एक ये गाना हमारे ही रहा है हाँ। हमारे मड़ाई पे ची रही बोलिया बोला दो बोलिया बोला दो बोलिया बोला ची बोलिया बोलाई ना दो याद ना ही कारेले बला मनीरा हो बला मनीरा मोहिं रोहिदारा में तो हर रहीया हम जो ही हमारे मराई पे ची रही या बोलिया बोलाई ना न दो गजब मित्र आप बहुत गजब गाते हैं और अद्भुत आपकी गायकी है और कहीं कहीं अगर ये देखा जाए तो पूर्वांचल में धर्मेंद्र जी का नाम जो है इस समय बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर तैर रहा है एकाध गाने ऐसे होना चाहिए जो महिलाएं जो हैं गांव में बैठ कर गाती हैं और उस गाने को लोग बेहद पसंद करते हैं वो आपका ही गाना होना चाहिए या कुछ किसी का भी होना चाहिए लेकिन धर्मेंद्र जी जब गुनगुनाएं तो वो गाना लगे कि नहीं वाकई में धर्मेंद्र जी गजब गुनगुन भैया गाने अरे आज आटारी बोलाइका गा आज आटारी तारी बोलाइ का गा मोर राजा जी आई है राजा जी आई है हो राजा जी आई है राजा जी आई है हो राजा जी आई ओ नहीं मोर लागा लगाता मोर राजा जी यही है धर्मेंद्र जी कभी ऐसा समय आया हो आपके जीवन में आपको लग रहा हो कि अब धर्मेंद्र कुमार जी टूट चुके हैं और एकदम पूरी तरह से परिस्थितियों के बीच घिर चुके हैं और अब सिंगिंग लाइन छोड़ देना चाहिए कहीं कमाने चले जाना चाहिए क्या कभी ऐसा जीवन में परिस्थिति और स्थिति बनी नहीं भैया देखा जब से हम गावत है तब से तो हमें जनता इतना आशीर्वाद दहेज की प्रॉब्लम ना आवे दहेज लेकिन हम गावे पहले परिस्थिति से गुजरा है जब गुजर रहे थे तो क्या लग रहा था छोड़ देना चाहिए या फिर कंटिन्यू बने रहना चाहिए एक दिन अपना भी सिक्का जरूर आएगा भैया वह समय तो इतना दुखी रहे हम जिंदगी से हार चुका रहे हाँ बहुत बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा आ, बहुत फैमिली बैकग्राउंड बहुत डाउन हाँ बहुत डाउन रही है और जब से हम गावत तो है तो हमारे दिल में यह आए हम देखे हर सिंगर हमारे गावत है हमारे पास गावे कला बा हम हो शुरू करी हो सकत हमारे गरीबी कटी है तो आज वो दिन आ चुका हुआ हम अपने दर्शक से हाथ जोड़ के निवेदन करी थे कि हमारे गरीबी काट दें अच्छा ये जनता जनार्दन का जो प्यार आपको मिला है Uh, क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों के लिए जिस हिसाब से आपको प्यार आशीर्वाद इस समय दे रहे हैं लोग आपको बेहद पसंद कर रहे हैं भैया दर्शक बदे तो दिल कहा था कि एक एक अपने फैन से अपने गार्जियन से हम मिली उनके साथ बात करी उनके हम चरण में सोई जाए हमें आशीर्वाद लगे रह दे, दे। हाँ बहुत प्यार हम अपने सुने वाले भोजपुरी जे जे हमें सुना थे जे ना सुनते हैं उन्होंने सबका हम बहुत प्यार करी थे जे ना सुन आज ना सुन पा कुछ दिन बाद सुने लगे सुने जरूरी है नाते कि हमार कंटेंट हमार सोच बे कि मजबूर कई दे सुने से एगो इंटरव्यू हम आपका देख रहे थे उस इंटरव्यू को देते देते आप भावुक हो जाते हैं रोने लगते हैं और वो गाना जो था दहेज गीत था लड़कियों का जो बिरा होता है आजकल लड़कियाँ अगर ससुराल में जाती हैं तो कहीं कहीं दहेज के कारण लड़कियों का बड़ी दुर्दशा की जाती है वो गाना गाते गाते आप भावुक हो जाते हैं रो देते हैं कौन सा गाना है वो? ओ भैया गाना रहा है अरे आया भैया बिरानू अरे आया भैया बिरानू का पाने भूलाया भैया बिरानू बहिनी भू यह गाना रहा भी। भाव को जाते। है हमने सुना था आ, मित्रों आपको बता दें कि ये धर्मेंद्र जी हैं कुमार धर्मेंद्र जी हैं और इनकी गायकी जो है वो अद्भुत है घर में महिलाएं जो हैं अगर अगर एक घर में पांच औरतें हैं और दो तीन बेटियां हैं तो चार लोग चार लोग के हाथ में अगर मोबाइल है तो धर्मेंद्र कुमार जी के गाने ज़रूर सुने जा रहे हैं हमारे घर में भी आपका गाना खूब सुना जा रहा है इसीलिए मुझे और जल्दी भाग कर आपके पास आना पड़ा हमारे घर वाले बोले सबका इंटरव्यू कर रहे हैं धर्मेंद्र का कब इंटरव्यू करेंगे भैया उनके संग तमन्ना रहा आप आए गए हम अपनी तरफ से उनका सबका हाथ जोड़ी थे लास्ट अंतिम और आखिरी सवाल जाते जवाते यहाँ पर देखिए कुछ बहनें कुछ महिलाएं इधर आपको सुन भी रही हैं इधर देखना चाहेंगे हम चाहेंगे इन लोगों की पसंद एकाद कुछ आप गुनगुना दीजिए और हम लोग वीडियो को एंडिंग कर लें देखिए आप लोग तो लाइव देख रहे हैं लोग खड़े हो हम्म ये ये धर्मेंद्र कुमार जी हैं जब इनको मोबाइल पर आप लोग जरूर देखी होंगे लेकिन आज हम लोग लाइव इनको सुन रहे हैं सुनिए देखिए कैसे गाते हैं वाह भैया एक गाना हमारी ब हाँ। पिया प्रदेश ब आ जाइए आ जाइए आगे आ जाइए पिया पिया प्रदेश ब और घरे वाले बहुत सतावत हैं हाँ। सतावत हैं तो फोन लगा के बेचारी कहा थी बस बस वही सुन ला खड़ी हो सुन ला एक मिनट हाँ। अरे भौजी तो हर करेली सतिया सजनावा सतिया सजनावा घरे चला पारा देसिया सजनावा घरे चला आशा जनावा तो वो कहा था कि भैया भाऊजी घरे हैं आ, सब देखा था तुहे प्रॉब्लम कौन बन लेकिन वह बेचारी के भैया भाऊजी सतावत रहन आज दिन अगर के पटीदार बनत अपन भाइय बनत भाई पटीदार बनत लेकिन हर भाई के ही सोचे चाहिए कि भाई इस बड़ा हित और भाई से बड़ा दुश्मन के होत ना है लेकिन हम ही चाहे कि भैया ये दुश्मन वाली चीज़ हटाई के सब एकदम भाई भाई मिल के रहा यार जिंदगी में का बा हाँ लाइनिए भैया और YouTube पर सर्च करिए वो गाना आई है राहुल रोहित म्यूजिक वर्ल्ड बा गाना हाँ हाँ चलिए लास्ट में जाते जाते कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी दर्शक से भैया यह निवेदन कि आज प्यार देते हम बहुत खुश हैं लेकिन कब नजरिया न यह बात के डबा हम तो इसे लट्टू तरह नाचत रह लेकिन नचावे वाला थोड़े खात देव जितने नचैबा उतने नाच लेकिन ये धर्मेंद्र जी स्टेज शो भी करते हैं क्या भैया स्टेज शो हल्का फुल्का करी तो बहुत स्टेज सोना हाँ ज़्यादातर हम यूट्यूब पर काम करी अच्छा यूट्यूब हाँ काम करते हैं हाँ। अच्छा धर्मेंद्र जी के दिल और दिमाग या आ, आ, दिल में या इनके दिमाग में कोई ऐसा गाना है जो धर्मेंद्र जी अक्सर रोड पर चलते हुए घर पर सोते हुए बैठते हुए कभी भी गुनगुना देते हैं भैया हमारे हम तो विराह रहा हहमा के गाना ज़्यादा हमें पसंद लागत है तो हम हम इहे ज़्यादा गाना गावत रहे अरे गैले माले टारिया में अरे गैले माले टारिया में भल भारती हो जोता वैया बिना खेतावा परल पारती हो जोता वैया बिना खेतावा तो एक लाइन हम गाओ थे अरे यही चढ़ते में आई जई है भौजी तोहर कुल खेता वा जो ताई जाई है ये भऊजी तोहर कुल खेता वाह wow. तो मित्रों आपको बता दें ये हमारे साथ देसी स्टार कहे जाने वाले धर्मेंद्र कुमार जी हैं कुमार धर्मेंद्र जी हैं जो अकबरपुर के रहने वाले हैं लेकिन इनकी जो गायकी है वो लोग इस समय बेहद पसंद कर रहे हैं फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और धर्मेंद्र जी को शेयर करके आप इनको इनकी आवाज़ को आ, हमें जहाँ तक लगता है कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पहुँचाइए आप लोग कि गाँव का एगो देसी कलाकार जो लोग आज विधाएँ भूल रहे हैं जो आज छोड़ रहे हैं उसे बचाने का काम जो है वो कुमार धर्मेंद्र जी कर रहे हैं मैं सही बोल रहा हूँ एकदम भैया सही बोल बोला, सही बोला है, है, हाँ सही, सही बोल चलिए मित्रों मिलते हैं फिर से एक चलिए मित्रों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त जय हिंद जय भारत